मरहबा दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग है तीन साहबी और कुत्ते वाला वाक्या जो आप तकरीरों में सुनते हैं, उस जगह पे आज हम आए हुए हैं। आइए आपको अंदर का दीदार कराते हैं। आइए चलिए अंदर, देख सकते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं उसका गेट है, अंदर हम आ चुके हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं इस पेड़ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं, देखिए अल्लाह लिखा हुआ है। पेड़ को कितने अच्छे से कटिंग किया गया है, देख सकते हैं। ये भी इसी के अंदर मौजूद है। ये खजूरे लगा हुआ है, देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत गेट बना हुआ है, ऊपर की तरफ चलते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना खूबसूरत मीनारा है, देख सकते हैं दोस्तों। खूबसूरत मीनारा है। ये मस्जिद है अंदर का, देख सकते हैं। इसी यही जगह है वो जो जॉर्डन के अंदर स्थित है, देख सकते हैं दोस्तों। यही जो कहानी कुरान में भी है जिक्र किया गया है, सात साहबी और कुत्ते वाला, उसी जगह पे आज हम आए हुए हैं। आप सब लोग को दीदार कराते हैं। इसका कुरान में भी जिक्र है, देख सकते हैं दोस्तों। तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और फॉलो भी करें दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी हम जगह दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छे अच्छे पौधे लगा हुआ है यहाँ, देख सकते हैं। घर के अंदर घुसने वाले हैं घर के जैसे, दीवार आधा गायब है। कार का दरवाजा बंद है, देख सकते हैं। इसके अंदर हॉल बना हुआ है, कितना चौड़ा घर का दरवाजा खुल है, सब अंदर घुस रहे हैं। خلي على
عز وجل قال سمى صورة كاملة باسمهم ألا وهي صورة الكافر سبعة في الأمر صورة خاطئة هكا وضح لك وما يبان شيء يمكن بس لحظة فاين طيب فاين साढ़े 300 साल तक सोते रह गए। इस गार में गार का मतलब गुफा होता है, देख सकते हैं। ये है 2 साल का कब्र। खुदा ने बोलने की ताकत दी थी कुत्ते का हड्डी इसके ऊपर शीशा लगा हुआ, देख सकते हैं। देखना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर पे लिखा हुआ है अरबी में, देखिए क्या लिखा हुआ है पता नहीं, ठीक है ना, बारीक में लिखा हुआ कि समझ में नहीं आ रहा है। इसी गार के अंदर आप देखे, दीदार किए 2 साहबी और कुत्ते की, जो आप वाकया सुनते हैं तकरीरों में, इसी के अंदर था, ठीक है हजरात। आप लोग देखे ये 2 साहबी और एक कुत्ते का वाकया। ये है कि यहाँ का जो पहले जुल्म करने वाला जो राजा रहता था, वो 2 साहबी को दौड़ाते दौड़ाते इस गार के अंदर दोनों साहबों ने छुप गए थे। 2 या 7 ऐसे ही बताते हैं सब कि छुप गए। बाद में कुत्ता बैठा हुआ था तो कुत्ता ने भौंका नहीं। बाद में साहबियों ने 350 साल तक सोते ही रह गए। बाद में 350 साल के बाद जब उठने के बाद से जब बाहर गए सामान कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए भूख लगा तो पैसा वो चला ही नहीं। बाद में उन दुकान वाला बताया कि ये तो 350 साल पहले का ये सिक्का है, तो लो हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह हम लोग 350 साल तक सोते ही रह गए। और वो फदार कुत्ता था, आपने वाक्या में सुना गया कि जन्नती भी कुत्ता भी जन्नती है। वही दिखाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। पहले के ज़माने में घर कम होता था और पहाड़ के अंदर घर ज़्यादा बना के आदमी रहता था। 50,000 साल पुराना, 30,000 साल पुराना वही है। जो साहबी लो नीचे है उसके ऊपर का यह हिस्सा है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों, ये जाली उसी गार को उजाला देने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं, तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें, शेयर करना ना भूले। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते हैं, आप पूरा देखें। मस्जिद भी आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। वीडियो को
वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में, तब तक लिए सलाम अलैकुम।